क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराई कितनी है और समुद्र में ऐसी कई सारे रहस्यों से भी भरी पड़ी है जिन्हें केवल 5% ही सॉल्व किया जा सका है। यही नहीं, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की उत्पत्ति भी कैसे हुई, हमारे पृथ्वी पर इतना काफी मात्रा में पानी कहाँ से आया, धरती पर इतने बड़े गड्ढे पानी से आखिर कैसे भर गए और ये गड्ढे आखिर बने कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज हम सभी मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर किया करें, और अगर नहीं किया है तो अभी से कर दो। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म आज से करीब 50 से 100 करोड़ साल पहले हुआ था। इसके ऊपर वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो बेशक एक आग का गोला ही था, और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई वैसे वैसे इसकी चारों तरफ गैस के ठंडे बादल फैलते गए। ठंडे होने की वजह से इस बादलों में काफी मात्रा में पानी भर गया, जिसकी बदौलत कई सालों तक काफी बारिशें हुई, जिसकी वजह से धरती पर बने विशाल गड्ढों में पानी भर गए, जिसे मई 1498 में खोजा गया और आखिर में इसका नाम समुद्र रख दिया गया। इस तरह पूरी धरती के कुल क्षेत्र में 70% हिस्सा पानी से भर गया। पहले वो सिर्फ एक ही समुद्र के रूप में था जो पूरी पृथ्वी को घेर रहा था, लेकिन बाद में लैंड स्लाइड की वजह से अलग अलग जगह पर समुद्र और पर्वत की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के लगभग 36,17,40,000 किलोमीटर में समुद्र फैला हुआ है, जिनमें से पैसिफिक ओशियन का क्षेत्रफल 16,62,40,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ये महासागर दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है, जिसमें कई सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं। समुद्र की गहराई और चौड़ाई को मिलाकर बात करें तो समुद्र हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। पृथ्वी की कुल वजन से भी समुद्र का वजन 10 गुना ज्यादा है। अगर पृथ्वी पर की सबसे ऊंची चीज माउंट एवरेस्ट को समुद्र में डुबा दिया जाए तो भी इसकी चोटी से समुद्र की सरफेस तक लगभग 2 किलोमीटर की गहराई बच जाएगी। समुद्र की गहराई को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर ब्लू व्हेल को लेते हैं। समुद्र का सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल अपना शिकार समुद्र में 300 फीट की गहराई में करते हैं। इससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो आती है यूएस की सबमरीन टाइटन, जो 700 फीट गहराई में थी। इसे और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो 831 फीट की गहराई में अब तक का किसी भी इंसान द्वारा किया गया सबसे डीपेस्ट फ्रीड्यू रिकॉर्ड किया गया है। ब्लू व्हेल इससे भी नीचे जाती है, जहां पर वो 1640 फीट की गहराई तक पहुंच पाती है, और इसे आगे ब्लू व्हेल भी नहीं जा सकती है। 2400 फीट की गहराई में मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची थी, पर इसे नीचे अगर सबमरीन गई तो वह भी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। समुद्र तट से 7500 फीट की गहराई में जाते ही सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। समुद्र के इस हिस्से को द माइड नाइट जोन कहा जाता है। जब 9816 फीट की गहराई में जाते हैं तो इतनी गहराई आती है जहां पर आज तक सिर्फ एक ही मैमल को घूमते हुए देखा गया है, जिसका नाम क्यूवियर विग वेल है। यह मछली भी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती है जहां पर टाइटेनिक डूबा हुआ है। टाइटेनिक 12,500 फीट की गहराई में डूबा हुआ है। यहां पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है कि कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, और फिर भी यहां पर फैंगटूथ फिश और डम्बो ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। 20,000 फीट की गहराई को द हेडल जोन कहा जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर डुबा दिया जाए तो हम सिर्फ 29,029 फीट तक ही पहुँचेंगे, जो कि फिर भी कम होगा जहां तक हमारे अब तक के 2 क्रूड मिशन पहुंचे हैं। समुद्र की आखिरी सरफेस आखिरकार 36,070 फीट को माना जाता है, जिसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। हालांकि यह सरफेस भी समुद्र का अंतिम सरफेस नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट भी समुद्र का सिर्फ 10% हिस्से का ही पता लगा पाए हैं। अभी तक भी 90% हिस्से को खोजा जाना बाकी है, जिसे हम भी नहीं सोच सकते हैं कि समुद्र आखिर गहरा कितना है। समुद्र में ऐसी कई मिस्ट्री हैं जिसे आज तक सॉल्व ही नहीं किया गया। ऐसी ही एक मिस्ट्री द्वारिका भी है जो समुद्र में डूब चुकी है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो अभी क्लिक करके आप जरूर देख सकते हो, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।